अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के अगले टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले से ही जानते हैं कि सभी टॉपिक्स आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप इसका पहला वाला वीडियो देखे हों, जिसमें मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बता चुकी हूँ कि इस्म क्या है, इस्म मारफा, इस्म नकरा, इसमें सिफत, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, ये हर एक चीज़। तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स को सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग जो कुछ भी सीखने वाले हैं ना, ये आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगने वाला है। मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दी हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देर किए फुल्ली एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है खिताब। खिताब किसे कहते हैं? तो देखिए, खिताब हुआ इस्म मारफा है। इस्म मारफा मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि इस्म मारफा क्या है, इस्म नकरा क्या है, ये हर एक चीज़ समझने के लिए आप मेरा इसका पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक, देखिए इस्म मारफा का मतलब एक बार फिर से बता दे रही हूँ। इस्म मारफा का मतलब होता है खास नाम, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या फिर किसी भी चीज़ के नाम, खास नाम को कहते हैं हम लोग इस्म मारफा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह इस्म मारफा यानी कि वह खास नाम जो किसी खूबी के वजह से हुकूमत के तरफ से दिया जाए, उसे कहते हैं हम लोग खिताब। यानी कि खिताब किसे कहते हैं? वह खास नाम, अब यहाँ पर खास नाम की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, वह खास नाम जो किसी खूबी के बदले हुकूमत यानी कि सरकार के तरफ से दिया जाए। मेरे अंदर कोई खूबी हो, मैं कोई अच्छा काम की, मेरे खूबी की वजह से, मेरे कमाली की वजह से सरकार की तरफ से मेरे लिए कोई एक खास नाम दे दिया गया, उसी नाम को कहते हैं, उस खास नाम को कहते हैं हम लोग खिताब। ठीक, जैसे कि पद्मश्री, राय बहादुर, शम्सुल उलमा वगैरह वगैरह, जो कि सरकार की तरफ से किसी इंसान की खूबी या फिर कमाली के बदले में दिया जाए। मैं कोई अच्छा काम की, मेरे अंदर कोई खूबी है जिसकी वजह से सरकार मुझे एक नाम दे दी, तो उस नाम को, उस खास नाम को हम लोग बोलेंगे खिताब। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है लकब। लकब किसे कहते हैं? वह इस्म मारफा जो किसी खूबी या फिर कमाली की वजह से आवाम के तरफ से दिया जाए। देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है, खिताब और लकब में। खिताब वह इस्म मारफा, वह खास नाम जो किसी खूबी या कमाली के बदले सरकार की तरफ से दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक नाम मिल गया, वो हो गया खिताब। लेकिन लकब वह इस्म मारफा, वह खास नाम होता है जो किसी खूबी या कमाली की वजह से, यानी कि मैं कोई अच्छा काम की, मेरे अंदर कोई खूबी है, कमाली है, ठीक, मेरे अच्छा काम करने की वजह से कोई स्पेशल नाम मुझे जनता की तरफ से मिल गया, यानी कि आवाम, सभी लोग मिलकर मुझे एक नाम दे दिए, एक स्पेशल नाम, तो उस नाम को बोला जाएगा लकब। तो खिताब जो नाम सरकार की तरफ से दिया जाए खूबी या फिर कमाली के बदले, उसे कहते हैं खिताब। और लकब जो नाम, जो स्पेशल नाम जनता की तरफ से, आवाम की तरफ से दे दिया जाए खूबी या फिर कमाली के बदले, तो उसको बोला जाएगा लकब। मैं कोई अच्छा काम की, मेरे अच्छा काम करने की वजह से, मेरे खूबी की वजह से जनता की, आवाम की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से मुझे एक स्पेशल नाम मिल गया, तो उस स्पेशल खास नाम को बोलेंगे हम लोग लकब। जैसे कि बाबाए उर्दू, बुलबुले हिंद, मूसा कलीमुल्ला, ये क्या है? ये लकब है। आगे बढ़ते हैं, अगला है तखल्लुस। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं कितना बार बताई भी हूँ, मतलब 10th और 12th को बताई हूँ। ठीक, समझिए, यहाँ पर वह मुख्तसर नाम जो शायर हजरत अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, यानी कि वह खास नाम जो शायर हजरत, शायर लोग जो शेर व शायरी लिखते हैं, ठीक है, तो वह खास नाम जो शायर अपने अशार में, यानी कि अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में यूज़ करने के लिए रख लेते हैं, तो उस खास नाम को कहते हैं हम लोग तखल्लुस। मिर्ज़ा गालिब जो है ना, वो अपने शेर व शायरी के लास्ट में जो नाम यूज़ करते हैं वो होता है गालिब। मतलब जितने भी शायर लोग होते हैं ना, वो शेर लिखते हैं, शेर व शायरी लिखते हैं ना, तो लास्ट लाइन में अपना एक नाम यूज़ करते हैं, उसी नाम को कहा जाता है तखल्लुस। मिर्ज़ा गालिब अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में गालिब यूज़ करते हैं, मतलब मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है? गालिब। ठीक, लास्ट लाइन में गालिब। इससे पता ये भी चल जाता है ना कि जो शेर व शायरी लिखी गई है ये किसका लिखा हुआ है। अब देखिए, जब आप लोग मिर्ज़ा गालिब की शेर पढ़ेंगे तो लास्ट में आप लोगों को गालिब तखल्लुस मिलेगा, यानी कि गालिब नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि ये शेर व शायरी जो है ना, जो शेर है, शायरी है, वो किसका लिखा हुआ है। उसी तरह मीर बबर अली अनीस का तखल्लुस है अनीस। मीर बबर अली अनीस जब शेर व शायरी लिखते हैं तो उनके लास्ट लाइन में आप लोगों को, शायरी के लास्ट लाइन में आप लोगों को अनीस देखने को मिलेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो शायरी है ना, ये किसका लिखा हुआ है? तो मीर बबर अली अनीस का लिखा हुआ है। ठीक, तो तखल्लुस किसे कहते हैं? वह खास नाम जो शायर हजरत, शायर लोग अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में यूज़ करते हैं, उसी नाम को कहते हैं हम लोग तखल्लुस।
और मिर्ज़ा गालिब का गालिब तखल्लुस है, बहुत ही मतलब फेमस शायर थे। मतलब जहाँ पर शेर व शायरी की बात हो और मिर्ज़ा गालिब का नाम ना लिया जाए तो शेर व शायरी की बात ही करना बेकार है। ठीक है, गालिब का ही एक शेर है कि गंदे लिबास देख कर तो फैसला ना कर, ये कौन सा दरख्त है फल बताएगा। आप इसका मतलब समझे कि नहीं, अर्थ क्या हुआ इसका, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है कुन्नियत। कुन्नियत किसे कहते हैं? वह इस्म यानी कि वह नाम जो माँ बाप, माँ बात लिखा गया है, माँ बाप यहाँ पर होना चाहिए, माँ बाप, ठीक है, वह नाम जो माँ बाप या बेटे या और किसी ताल्लुक के वजह से पुकारा जाए। ठीक है, जैसे कि इब्ने मरियम। देखिए कुन्नियत मतलब, कुन्नियत का मतलब क्या, जो ताल्लुक के वजह से है, संबंध के वजह से जो नाम पुकारा जाता है ना, उसको कहते हैं हम लोग कुन्नियत। मतलब माँ बाप या फिर बेटी या फिर किसी और ताल्लुक, किसी और संबंध रिश्ता के वजह से पुकारा जाए, उस नाम को कहा जाता है कुन्नियत। जैसे कि इब्ने मरियम कहा जाता है ईसा अलैहिस्सलाम को। इब्ने मरियम मतलब, इब्ने मतलब होता है सन ऑफ, यानी कि सन ऑफ मरियम, यानी कि मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम थे। ठीक, तो ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम भी कहा जाता है। इब्ने मरियम मतलब सन ऑफ मरियम, मरियम का बेटा। उसी तरह है अबुल कासिम, अबुल कासिम कहा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है ना, उनको अबुल कासिम भी कहा जाता था। तो सोचिए जो रियल नाम है वो तो है, ठीक है, रियल नाम को छोड़कर जो माँ बाप के रिश्ते की वजह से, ताल्लुक की वजह से जो नाम लिया जाता है ना, उसको बोला जाता है कुन्नियत। इब्ने मरियम, अबुल कासिम, ये क्या हो जाएगा, कुन्नियत हो जाएगा। मेरा रियल नाम अलग है, ठीक है, लेकिन मेरे रियल नाम को, असल नाम जो है ना, उसको छोड़कर मेरे माँ बाप के रिश्ते की वजह से, ताल्लुक़ की वजह से जो नाम मुझे पुकारा जाएगा ना, उसको बोला जाएगा क्या, कुन्नियत कहा जाएगा। ठीक, तो ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता था, तो इब्ने मरियम मतलब सन ऑफ मरियम, मरियम का बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इब्ने मरियम कुन्नियत, अबुल कासिम हो जाएगा कुन्नियत, जो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता था अबुल कासिम कहकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है उर्फ। उर्फ किसे कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं, उर्फ सुने होंगे। ठीक है, वह इस्म है, वह नाम है जो या तो वालिदीन बचपन से ही अपने बच्चे का प्यार से नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़कर या किसी इंसानी खूबी या नुक्स की वजह से उसका कोई एक नाम मशहूर हो जाता है। मतलब असल नाम, जो रियल नाम है, उसको छोड़कर आपके माता पिता बचपन से ही जो प्यार से नाम पुकारते हैं, या फिर आपके अंदर कोई खूबी है, या फिर कोई आपके अंदर नुक्स है, कमी है, जिसके वजह से आपको बचपन से ही वो नाम लेकर पुकारा जाता है, जबकि आपका रियल नाम अलग रहता है, उसको, उस नाम को कहा जाता है उर्फ। जैसे कि है लंगड़ा, ठीक है, अब जिसको लंगड़ा कहा जाता है उसका नाम लंगड़ा थोड़ो ना होगा, उसका कोई रियल नाम होगा, लेकिन उसको लोग, उसकी कमी की वजह से क्या, वो लंगड़ा होगा, इसीलिए लोग उसको लंगड़ा पुकारते होंगे। ठीक, लंगड़ा हो गया, छोटू हो गया, ठीक, छोटू क्यों, दिखने में छोटा होगा, या फिर उसके माँ बाप बचपन से ही प्यार से छोटू बुलाते होंगे, ठीक, तो छोटू छोटू, लेकिन उसका नाम छोटू थोड़ा ना होगा, उसका रियल नाम कुछ और होगा, तो छोटू क्या हो जाएगा, उर्फ हो जाएगा, लंबू या फिर पप्पू वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा, टुन्नी मुन्नी झुन्नी गुड़िया पुड़िया, ठीक, ये सब हो जाएगा आप लोगों का उर्फ, जो कि रियल नाम से अलग हो, आपके खूबी या फिर कमी के वजह से बचपन से ही लोग पुकारते आ रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये पांचों टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक, और हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बड़े बड़े स्क्रीन शॉट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ शेयर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, आप लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं चारों तरफ। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है आप लोगों को, फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो कॉल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो कॉल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और उसके बाद से अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो फटाफट वीडियो को लाइक मारिए, और उसके बाद से आप लोग को चारों तरफ शेयर कर देना है, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें, आप लोग के जितने भी रिश्तेदार हैं चारों तरफ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।